मंशा फरीदी ऑफिशियल की तरफ से डेरा गाजी खान में सर्वे किया और आपके सामने हकैक बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हक बात पे कटती है तो कटने दो जबाने, पी लेंगे मेरे यार बांदाज़े दिगर भी। हमने सर्वे किया, सर्वे के दौरान अजीब इनकशाफात सामने आए। डेरा गाजी खान के शहरियों ने चीख चीख कर कहा कि इमरान खान ने सफेद झूठ बोलकर कोरोना की कोरोना का जो प्रोपेगंडा किया उसने मईशत तबाह करके रख दी। इसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि एहसास प्रोग्राम के तहत ईद से कबल लोगों को ईदी या एहसास प्रोग्राम के तहत हम खर्चा फराहम करेंगे। लोगों ने इजहार अफसोस करते हुए शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि इमरान खान वजीर आला पंजाब उस्मान खान को चाहिए कि वो ये बातें ये फर्जी बातें वो ना करें। उस्मान खान बुजार साहब हम गरीब कबाइल का चीफ है, इतने बड़े कबीले का सरदार नहीं है। उसके दरवाजे पर एक भीख मांगने वाला खड़ा रहता है, उसका एक अपना बुजदार एक उसको संभाल नहीं सका 24 घंटे मस्कीन, इसी के दरवाजे पर माजूर शख्स भीख मांगता है, जे उसको आज तक कवर नहीं कर सका, उसको खाना नहीं दे सका, उसको घर नहीं दे सका, उसको कोई अच्छी रोजगार फराहम नहीं कर सका, तो ये लोगों को क्या फराहम करेगा। उस्मान खान बुजदार साहब मेहरबानी करें, एहसास प्रोग्राम है, इनके तहत लोगों को सही तरीके से इनको मदद फराहम करें। लोगों को जाकर देखें, मैं फेसबुक पर देख रहा था, फेसबुक पर लोगों ने खुदकुशी की है, इज्तमाई खुदकुशी के खाना नहीं मिल रहा था, ये गुर्बत की वजह से उन्होंने इज्तमाई वो किया है खुदकुशी। खुदारा मेहरबानी करें, अपने जो वो है ऑर्डर है उन पर अमल दरामद करें। अगर नहीं कर सकते तो ये लफाजी का कोई फायदा नहीं है। आपके इर्द गिर्द जो है ना, ये उसके अपने जुल्फी बुखारी, इसने जो करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है, ये नैब और एफबीआर का राडार का हनी पिताफी आपके साथ है, मुशीर सेहत है, जो रोज 2 करोड़ रुपए की का काला धन बनाता है रोज। आप ऐसे लोगों को वो करेंगे तो कहां इंसाफ फराहम होगा लोगों को। खुदारा खुदारा मंशा फरीदी की तरफ से और उसकी टीम की तरफ से ये एक रिक्वेस्ट है कि आप जिस पर वो करें उस पर अमल दरामद करें हुक्मनामों पर। ये एहसास प्रोग्राम, ये टाइगर फोर्स आज तक किसी ने नहीं देखी आपकी, तो आप इन पर अमल दरामद कराएं। रियाज हुसैन खोसा, मंशा फरीदी ऑफिशियल, डेरा गाजी खान। मंशा फरीदी ऑफिशियल की तरफ से बहुत ही रोजमर्रा के मामूलात, रोजमर्रा के हुकूमती इकदामात और स्टेट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पंजाब को अच्छे मशवरे देने के लिए और बेहतरीन रिकॉर्डिंग के लिए, मालूमात फराहम करने के लिए तजिया नगारी और बहुत से टारगेट अचीव कर रही है मंशा फरीदी टीम। मंशा फरीदी ऑफिशियल टीम ने एक और भी टारगेट अचीव कर लिया है, डेरा गाजी खान के इलाका चोटी जरीन की नादरा लगारी साहबा, जो एक बहुत बड़ी बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखने वाली बहुत ही जरूरतमंद लगारी फैमिली की खातून है, जिन्हें रियाज हुसैन खोसा और मंशा फरीदी ने मोटिवेट करके मंशा फरीदी टीम ज्वाइन कराया है। मंशा फरीदी ऑफिशियल की तरफ से जहां आपको ईद की मुबारकबाद देते हैं, वहां एक और भी ऐलान करते हैं कि नादरा लगारी मिसेज रियाज हुसैन खोसा ने मंशा फरीदी ऑफिशियल ज्वाइन कर लिया और इंशाल्लाह मामलात जो जिंदगी है, हकूमती इकदामात हैं, उन पर निगाह रखने, उनकी हौसला अफजाई करने और उन पर तनकीद करने के लिए एक लेडी रिपोर्टर बनकर उभरी है नादरा लगारी साहबा। इंशाल्लाह उन्होंने गुज़श्ता दिनों ऐलान किया और हमारी टीम में शमूलियत का ऐलान किया। नादरा लगारी साहबा एक बहुत बड़ी जुरतमंद
दिल गुर्दे वाली और फ्रंट फुट पर लड़ने वाली खातून है, हम उनको भी मुबारकबाद देते हैं, नादरा लगारी साहबा को, और आवाम को खुशखबरी सुनाते हैं कि नादरा लगारी साहबा ने अब मच्छा फरीदी ऑफिशियल ज्वाइन कर लिया है।